माननीय प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम मैं कोल्हापुर से हूँ महाराष्ट्र से कोल्हापुर वही जिला राजर्षि शाहू की आपका आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है नहीं सर आवाज ही ऐसी है अच्छा, ऐसी है। अच्छा आवाज ही ऐसी तो कोल्हापुर से हूँ महाराष्ट्र से समोलो स्कूल में कला शिक्षक हूँ कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि कला में क्या कला में मैं चित्र नृत्य नाट्य संगीत गीत वादन शिल्प सभी तो दिखता है हाँ हाँ तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं तो मेरे स्कूल में मैंने मैं जब से वहाँ पे हूँ तेईस साल से मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है मैंने तांडव स्त्रोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ तीन सौ लड़कों को लेकर जिसके विश्वीक्रम भी हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है वो भी विश्व विक्रम में दर्ज हुआ था और मैं शिव तांडव किया है मैंने देवी का हनुमान चालीसा किया है देवी के रूप का दर्शन किया है तो इस तरह तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से आप तो करते होंगे मैं खुद भी करता हूँ और मेरे वो बच्चे वो भी तो करते, करते होंगे लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है उनके लिए क्या करते वही सब करते है सर वो तीन सौ तीन सौ चार सौ बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे कुछ व्हील वाले बच्चे उनको भी मैं एज गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर लेता लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे जी सर लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है और मेरी मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरी बात सुनते हैं सुनते हैं जी दस साल से मैं सर कर टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहा जी सर कितने साल से आप कर रहे हैं मैं टोटली मेरे तीस साल हो गए सर बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप वो जिस, क्या देते जि, हैं? जी सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ जैसे कि मैं ड्रंक ड्राइव जो होता है उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज अ पथनाट्य के स्वरूप में जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे तो ये दो दिन से तीन दिन से आप लोग सब जगह पे आपका जाना होता होगा थक गए होंगे आप लोग कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर ऐसे ही चलता होगा तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने जी है सर बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है वो लोगों ने बोला था कि सर आ, अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आए मतलब आपने तमये आगे तमये का तय तम... कर लिया <laughs> <laughs> मतलब आप पा...

तो मैंने वो धारणा तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग तो मैंने उनको बाहर ले लिया एक रूम में रख लिया जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए गए पे आ उनकी शिक्षा की उसमें से दो कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं दो लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए मतलब सी बी एस जो तो ये बढ़िया आप काम करते हैं ये आखिर में बताते हैं ऐसे कैसे हो ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना और किसी ने छोड़ दिया मैं नहीं छोड़ूंगा और आपने उनको गोद लिया ये बहुत बड़ा काम किया आपने सर इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है मैं खुद आना था हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था तो मेरे साथ मेरे इस पास तभी कुछ नहीं था और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है चलिए बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं आपने जीवन को संस्कारों से जिया है बहुत बड़ी बात है जी जी धन्यवाद सर तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है जी सर आपसे सौभाग्य हुआ आपसे बात मुका करने का ये मेरे सौभाग्य की बात है बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया थैंक यू सर